नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अब बात करते हैं हम लोग स्थापत्य, पर्यटक, पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों के बारे में। एमपी स्पेशल को देख रहे हैं हम लोग। चलिए प्रमुख किले देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ग्वालियर का किला, इसे किलों का रतन या पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो याद रखिए ग्वालियर को किलों क्या क्या बोला जाता है, किले को किलों का रतन, पूर्व का जिब्राल्टर। इसका निर्माण कछवाहा वंशी राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में कराया था। ग्वालियर किले के पांच द्वार हैं, आगलगिरी, आलमगिरी, हिंडोरा, हिंडोला, गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा, हाथीवाड़ा दरवाज़ा। ठीक, ग्वालियर के किले में निम्न इमारतें महत्वपूर्ण हैं, मान मंदिर, गुजरी महल, तेली का मंदिर, हाथी की विशाल प्रतिमा तोमर नरेश मानसिंह द्वारा बनवाई गई थी। तेली का मंदिर उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। तो याद रखिए तेली का मंदिर उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। आगे बात करते हैं हम लोग सास बहू का मंदिर। 11वीं सदी में राजा महीपाल द्वारा निर्मित है इस सास बहू का मंदिर, बनवाया था महीपाल ने। इसमें भगवान सहस्त्रबाहु विष्णु की मूर्ति है। इस किले की तलहटी में 15वीं शताब्दी में राजा डोंगर सिंह द्वारा बनवाए गए जैन मंदिर हैं। इसमें सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा है जैन तीर्थकर आदिनाथ जी की। इस किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ है। ग्वालियर का पुराना नाम गोपांचल है। ग्वालियर के किले का निर्माण गालव ऋषि के सम्मान में करवाया गया था। अगला किला है हमारा धार का किला। इस किले का पुनर्निर्माण 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी जाते समय करवाया था। इस किले के अंदर देवी कालका मंदिर का निर्माण परमार नरेश मुंज ने करवाया था। इस किले में पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। 1732 में मराठाओं ने अपने अधिकार में ले लिया था इसे। इसी किले में खरबूजा खरवाड़ा महल स्थित है। अब्दुल शाह चंगस का मकबरा यही है इसी में। अगला किला हमारा असीरगढ़ का किला। ये बुरहानपुर जिले में अवस्थित है। इसका असीरगढ़ के किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में अहीर राजा आशा ने करवाया था। इसको दक्षिण का द्वार बुरहानपुर दर्रा कहा जाता है। मुमताज महल की मृत्यु इसी किले में हुई थी, याद रखना मुमताज महल की मृत्यु इसी किले में हुई थी, असीरगढ़ के किले में बुरहानपुर में। इसे अकबर ने सोने की चाबियों से विजित किया था। फिर अगला किला हमारा चंदेरी का किला। कौन सा है? चंदेरी का किला। ये मुगावली अशोकनगर में है। चंदेरी के किले का निर्माण पितिहार वंश के राजा कीर्तिपाल द्वारा करवाया गया था 11वीं सदी में। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। चंदेरी का किला बेतवा नदी के किनारे है। चंदेरी के किले में निम्न मशहूर इमारतें हैं, हवा महल, जोहर कुंड, नौखंडा महल, खूनी दरवाज़ा चंदेरी के किले में है। आगे बात करते हैं हम लोग जोहर कुंड। 1528 में बाबर के आक्रमण के समय 300 राजपूत दानियों ने प्रज्वलित अग्नि में प्राण दिए थे। इस समय यहाँ का शासक मेदिनी राय था। वर्तमान में चंदेरी हाथ से बनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला किला है हमारा गिन्नौरगढ़ का दुर्ग। रायसेन जिले में अवस्थित है गिन्नौरगढ़ का किला। इस दुर्ग का निर्माण 13वीं शताब्दी में
महाराजा उदय वर्मन ने असरफी पहाड़ी पर करवाया था। यह क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में तोते बहुतायात में पाए जाते हैं, इसलिए इसे तोते का किला भी कहा जाता है। अगला हमारा रायसेन का दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंती ने करवाया था। रायसेन के किले का निर्माण। इस दुर्ग में निम्नलिखित इमारतें हैं, बादल महल, गजारोहित महल और इत्तदार महल। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस किले में 4 तालाब हैं जिसमें शेष ग्राही तालाब अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला किला है हमारा बांधवगढ़ का किला। कौन सा है? बांधवगढ़ का किला, तो जिसे ए उमरिया में अवस्थित है। बांधवगढ़ का किला 14वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा वराग देव ने द्वारा निर्मित कराया गया। बांधवगढ़ का किला यह दक्षिण पूर्व रेल मार्ग के कटनी बिलासपुर मार्ग पर स्थित है। यह शेषाशाही तालाब व विष्णु मंदिर का अवस्थित है। यहाँ बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित है। यह किला विंध्याचल पर्वत पर 900 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। 16वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की थी। अगला किला है हमारा अजयगढ़ का किला। ये पन्ना जिले में है। इस किले का निर्माण राजा अजय पाल ने करवाया था। यह किला बारीक पत्थरों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में राजा अमन का महल स्थित है। फिर अगला किला है हमारा ओरछा का किला। ओरछा का किला टीकमगढ़ जिले में अवस्थित था, ये याद रखना, लेकिन निवाड़ी जिला 2018 में बन गया, तो अब ये निवाड़ी जिले में पहुंच गया ओरछा, तो अब निवाड़ी जिले में, ठीक है, याद रखना। ओरछा के किले का निर्माण बुंदेलवंशी राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। यह दुर्ग बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस दुर्ग में निम्न मंदिर हैं, चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। जहांगीर का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था, जहांगीर महल का, याद रखना। अगला है मंडला का दुर्ग। ये मंडला जिले में अवस्थित है। यह दुर्ग बंजर तथा नर्मदा नदी के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण गौर नरेश नरेंद्र साह ने करवाया था। मंडला जिले में राजेश्वरी भवन का निर्माण निजाम साह ने करवाया था। आगे बात करते हैं मंदसौर का किला। कौन सा है? मंदसौर का किला। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यहाँ पर 500 वर्ष पुराना तापेश्वर मंदिर है। नरवर का किला, अगला किला है, शिवपुरी जिले में अवस्थित है। इस किले का निर्माण राजा नल ने करवाया था। यह किला राजा नल एवं दमयंती की पेड़ कथा के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र कछवाहा तोमर जयपुर के राजघराने के लिए प्रसिद्ध भी है। अब देखते हैं अन्य तत्व। तो राजगढ़ में अवस्थित नरसिंह के किले को कश्मीर ए मालवा कहते हैं। धार जिले में अवस्थित 16वीं सदी में निर्मित मांडू के दुर्ग का निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था, जिसमें 12 दरवाजे हैं। दतिया के किले का निर्माण वीर सिंह देव ने करवाया था। इस किले के द्वार पर भवानी सिंह ने जस्टिस इज ए गेम ऑफ क्राउन लिखा था। कादरगढ़ का किला दतिया सिंध नदी के तट पर अवस्थित है। अटेर का किला व गोहद का किला भिंड जिले में है। राजवाड़ा के किले इंदौर का निर्माण होलकर वंश के राजा ने करवाया था। यह होलकर वंश की राजधानी भी थी इंदौर। आगे बात करते हैं हम लोग। प्रमुख महल, गोजरी महल या दान महल ग्वालियर में, मानसिंह द्वारा मेघनैनी के लिए बनवाए गए थे। अगला है मोती महल, ग्वालियर में है ये भी। जीवाजी सिंधिया का महल है। नवंबर 1956 से पूर्व मध्य भारत विधानसभा भवन रहा है। वह जयविलास पैलेस ग्वालियर में है ये भी। इटालियन शैली पर निर्मित है। सिंधिया का निवास स्थान तथा वर्तमान में संग्रहालय है। फिर अगला बघेलियन महल मंडला जिले में है।
मोती महल के पूर्व में 8 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। फिर मदन महल, मदन महल जबलपुर में गौड़ राजा मदन शाह द्वारा बनवाया गया। फिर खरबूजा महल धार जिले में है, धार के किले में स्थित है। राजा रोहित का महल ये रायसेन के दुर्ग में राजबसंती द्वारा बनवाया गया। बादल महल, इत्तदार महल ये दोनों रायसेन में है। हवा महल चंदेरी ये अशोकनगर किला कीर्तिपाल द्वारा बनवाए गए। नौखंडा महल ये चंदेरी में है। राजा अमन का महल ये अजयगढ़ पन्ना अजयपाल द्वारा बनवाए गए थे। जहांगीर महल ओरछा में वीर सिंह द्वारा बनवाया गया था। राज मंदिर महल ओरछा में वीर सिंह द्वारा बनवाया गया। असरपी महल ये मांडू धार में है। अफगानी कला कटोरी नुमा बना है। अगले आगे देखते हैं, दाई का महल ये मांडू में वर्तमान में महत्वपूर्ण कलाकृतियों का संग्रहालय। अगला है रानी रूमती का महल, ये मांडू में वाज बहादुर का पीएसी रानी रूमती का महल था ये। आगे बात करते हैं हम लोग पर प्रमुख पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पचमढ़ी के बारे में। कौन सी? पचमढ़ी। पचमढ़ी यहाँ प्रमुख हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद जिले में पिपरिया स्टेशन के निकट स्थित है। इसकी खोज फोर सिथ ने की थी। दर्शनीय स्थल की बात करें तो प्रिय दर्शनी और हाड़ी खोए अप्सरा विहार, रजत पिपात, राजगिरी, लांजीगिरी, आयरिन, सरोकर, सरोवर, जलावरण, डचेस फॉल, चौरागढ़, धूपगढ़, पांडव गुफाएं, धुआंधार, भ्रांतनीर, अंस्तांचल, बीनवादक की गुफा, सरदार गुफा, राज्य की पुलिस प्रशिक्षणशाला यहीं स्थित है पचमढ़ी में। अगला है हमारा अमरकंठक। ये प्रमुख हिल स्टेशन है जो पुष्प राजगढ़ तहसील अनूपपुर जिले में है। नर्मदा सोन जाहिला नदी का उद्गम है यहीं। 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया इसे। दर्शनीय स्थल है यहाँ कपिलधारा व दुग्धधारा जलप्रपात, सोन मोड़ा, माई की बगिया, कबीर चौराहा, विरगु कमंडलन नल, पुष्कर बांध। फिर आगे बात करते हैं हम लोग खजुराहो के बारे में। खजुराहो ये छतरपुर जिले में स्थित चंदेल राजा धंग द्वारा निर्मित मंदिर 11वीं सदी में। यहाँ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है खजुराहो। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मांतेगेश्वर मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, घंटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर, दक्षिण समूह दूलादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, बैनीसागर बांध और स्नेह पिपात है यहाँ। फिर बात करते हैं हम लोग मांडू सिटी की। मांडू सिटी, सिटी ऑफ जॉय। मालवा का सौंदर्य स्थल मांडू को सादियाबाद अर्थात हर्ष नगर से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू का प्राचीन नाम मंडप दुर्ग या मांडवगढ़ था। दिलावर खां का पुत्र होशंग शाह 1405 में अपनी राजधानी धार से उठाकर मांडू ले गया था। 1554 में बाज बहादुर के अधिपत्य में आया जिसने जहाज महल, हिडोला महल का निर्माण कराया। यहाँ दर्शनीय स्थलों की बात करें मांडू में तो मांडू का परकोटा जिसमें 12 दरवाजे हैं, जो रामपोल, तारापुर दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, जहाज महल, हिडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, असरफी महल, रेवा कुंड, रोमबत्ती मंडल मंडप, नीलकंठ महल, हाथी महल, लोहानी गुफाएँ आदि हैं। आगे बात करते हैं हम लोग सांची। सांची ये रायसेन जिले में सांची नगर भोपाल से 45 किलोमीटर दूरस्थ का प्राचीनतम कालीन नाम है इसका काकडाय या बौद्ध श्री पर्वत। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी रानी के कहने पर कराया था। स्तूप में सबसे बड़ा मोगलयान और सारीपुत्र की अस्थियों और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति आम कादेव का एक अभिलेख
इसके स्तूपों को रेलिंग सुंगों ने कर बनवाई थी। यहाँ के विदिशा भेलसा या बीसनगर के नाम से भी प्रसिद्ध है। विदिशा प्रसिद्ध नाम इसका है महामलिस्थान या निम्यवासा। यूनानी राजा एंटी क्लाइडस ने अपने दूत हेलियोडोरस को भेजा था यहाँ। उसने गरुण अंकित स्तंभ लगवाया, इसे खंबा बाबा भी कहते हैं। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो लोहंगी शिला गुम्बज, बीजा मंडल, सम्राट अशोक सागर, हलाली सागर, यहीं विदिशा में। आगे बात करते हैं हम लोग ग्वालियर। इसकी स्थापना गालव ऋषि के नाम पर हुई। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो ग्वालियर दुर्ग बलुए पत्थर से बनाया, गुजरी महल जो राजा मानसिंह तोमर ने गुजरी राजा मैग्नेनी के प्रेम में बनवाया था। एक गुजरी महल मान मंदिर सूरज कुंड तेली का मंदिर सास बहू का मंदिर जयविलास महल रानी लक्ष्मीबाई की अश्वारोही मूर्ति संग्रहालय तानसेन की समाधि गौस मोहम्मद का मकबरा रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कला विधि का नगर पालिका संग्रहालय चिड़ियाघर गुरुद्वारा सूर मंदिर यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहीं उदयगिरी की गुफाएं। विदिशा स्थित उदयगिरी की गुफा में 20 गुफाएं गुफा नंबर 1 और 20 जैन धर्म से संबंधित हैं। गुफा नंबर 5 वराह अवतार की विशाल प्रतिमा है इसमें। इन गुफाओं का समय है गुप्तकाल 4 से 5वीं शताब्दी। आगे बात करते हैं फिर बात करते हैं हम लोग अगली हमारी भरतहरी की गुफाएं। उज्जैन के निकट भरतहरी गुफाएं संख्या में 9 हैं। इनका निर्माण राजा भरत के सम्मान में परमार शासकों ने करवाया। इनकी विशेषता रंगीन चित्र है। बाग की गुफाएं ये इंदौर झाबुआ मार्ग में से अंदर बाग स्थान धार जिले में है। विंध्याचल पहाड़ी में बाग का प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं। इनका काल है गुप्तकालीन अर्थात 5वीं ईस्वी। पचमढ़ी गुफाएं यहाँ भी पांडव गुफाएं जैसे 5 गुफाएं अत्यंत आकर्षित हैं। फिर अंगली हैं मारा गुफाएं ये सिंगरौली जिले में स्थित हैं। बौद्धकालीन गुफाएं हैं। आगे बात करते हैं हम लोग भीमबेटका। कौन सी भीमबेटका प्रागैतिहासिक कालीन भीमबेटका शैलाश है जिनकी संख्या 500 के आसपास है। इन पर अनेक चित्र अंकित हैं। इनका संबंध पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ा जाता है। रायसेन जिले में अवस्थित है। इसकी खोज वाकड़ कर ने की थी। यह विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। फिर है मैगेंद्रनाथ गुफाएं ये पारसी गांव विदिशा व रायसेन रामसेन अवस्थित हैं। दुर्लभ रॉक पेंटिंग यह जैन धर्म से संबंधित हैं मैगेंद्रनाथ की गुफाएं। आगे बात करते हैं हम लोग शंकराचार्य की गुफाएं ओकारेश्वर खंडवा में अवस्थित हैं। शंकराचार्य ने यहाँ शिव आराधना की थी। फिर आदमगढ़ की शैलाश है ये होशंगाबाद नगर के निकट आदमगढ़ में की शैलकृत गुफाएं हैं। फिर गुम्मट गिरी इंदौर में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर है। भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा अवस्थित हैं। मुक्तागिरी ये बैतूल जिले में स्थित प्रसिद्ध दिगंबर जैन तीर्थ है। सोनागिरी दतिया जिले में सोनागिरी प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। पीताम्बरा पीठ दतिया में स्थित माँ बगला मुखी पीताम्बरा पीठ हिंदुओं का प्रसिद्ध तांत्रिक धार्मिक स्थल व शक्तिपीठ है। फिर अगला है दादाजी दरबार एक खंडवा में स्थित दादाजी दरबार महान संत धुनीवाला दादाजी की समाधि स्थल है। बावन गजा ये बड़वानी जिले में 52 गजा पहाड़ी भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। नैमावर ये नर्मदा तट पर देवास जिले में अवस्थित है। नैमानगर हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। रूडीजा ये बड़नगर स्थित रूडीजा तेजाजी महाराज से संबंधित पवित्र स्थल है। फिर बात करते हैं हम लोग ओकारेश्वर ये ओम आकती वाले इस स्थान में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। नर्मदा तवा के संगम पर
ओकार मान्यता मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित थे। यह मंदिर मध्यकालीन ब्राह्मण शैली में बना था। सिद्ध मंदिर सनमात्रिक मंदिर 2005 में पवित्र घोषित हुए। भोजपुर, भोजपुर की बात करें तो भोपाल के निकट स्थित भोजपुर अपने विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना राजा भोज ने की। यह विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग है। फिर नोएडा दमोह में अवस्थित है। गोरहरा बरेमा नदी संगम पर बसा नोएडा कभी चंदेलों की राजधानी था। अब यह शिव मंदिर और जैन मंदिर के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। मंदसौर, इसका प्राचीन नाम दसपुर है। यह भारत का प्राचीनतम पशुपति मंदिर है। यहाँ पर ऐसा ही एक पशुपति मंदिर धुरैल पहाड़ी ब्योरा पर अवस्थित है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी यहीं। फिर बेसनगर विदिशा में अवस्थित है। हेलियोडोरस ने स्तंभ में गरुड़ ध्वज है। चित्रकूट इस सतना में अवस्थित है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहीं पर बाल अवतार लिए। वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहीं पर महर्षि अत्ति व सती अनुसुईया के अतिथि बने थे। कामदगिरी अनुसुईया आश्रम भारतकूट हनुमानधारा यहीं स्थित है। 2005 में इस नगर को पवित्र घोषित किया गया था। गुप्त गोदावरी नदी यहाँ पर है। यहाँ गधों का मेला भी लगता है चित्रकूट में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग उज्जैन। उज्जैन तो उज्जैन की बात करते हैं, छिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। महाकालेश्वर मंदिर है यहाँ उज्जैन में। जंतर मंतर है। चिंतामणि गोपाल जी का मंदिर है। संदीपनी आश्रम है। मंगलनाथ मंदिर है। भरतहरी गुफाएं भी हैं। यहाँ पर 12 वर्षों बाद कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में। 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया। बेस्ट टेकरी स्तूप भी है। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी नामक पुस्तक में उज्जैन नगर को उज्जैनी कहा लिखा गया है। भेड़ाघाट फुटपाथ जबलपुर में अवस्थित है। नर्मदा एवं बावन नदी के संगम पर स्थित यह फुटपाथ 18 मीटर ऊंचा है। दोनों ओर संगमरमर की चट्टानों से घिरा हुआ है। भृगु ऋषि ने यहीं पर तपस्या की थी। बंदर कुदनी और 64 युगनियों के मंदिर भी हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के मकबरे या समाधियाँ। तानसेन का मकबरा 16वीं सदी में निर्माता अकबर थे इसके ग्वालियर में। मोहम्मद गौस का मकबरा 16वीं सदी में ग्वालियर में है ये भी। बिजू बाबरा का समाधि 16वीं सदी में चंदेरी अशोकनगर में है, याद रखना। होशंगाबाद का मकबरा ये मांडू धार में है। पेशवा बाजीराव की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में है। मतेंद्र पीर की समाधि ये उज्जैन में है। महारानी सांखे राजे की समाधि शिवपुरी जिले में। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में। रानी झांसी की समाधि ग्वालियर जिले में ग्वालियर में। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में है। रानी अवंतीबाई की समाधि ये मंडला जिले में। झलवाई की समाधि ग्वालियर में है। गिरधारी बाई की समाधि ये मंडला में है। अब्दुल्ला शाह चंगस का मकबरा ये धार में। अब बात कर लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में केंद्र शासन के संग्रहालय। पुरातत्व संग्रहालय सांची जिला रायसेन, इसमें हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म से संबंधित अवशेष हैं। फिर पुरातत्व संग्रहालय खजुराहो छतरपुर में, इसमें चंदेल काल की प्रतिमाएँ सुरक्षित हैं। इसमें अग्नि और स्वाहा अर्धनारीश्वर आदिनाथ गजलक्ष्मी मिथुन मूर्तियाँ प्रमुख हैं। अब बात करते हैं हम लोग राज्य शासन के संग्रहालय। राज्य शासन के अधीन राज्य जिला और स्थानीय स्तर पर संग्रहालय संचालित हैं। 6 हैं बड़े। केंद्रीय संग्रहालय गुजरी महल ग्वालियर 1909 में बनाए। राजकीय संग्रहालय भोपाल 1887 और 1964 में। केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर में 1931 में। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में 1975-76। राजकीय संग्रहालय धोबेला
छतरपुर में 1955 में, तुलसी संग्रहालय रामबन सतना में 1978, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में। अब जिला संग्रहालयों की बात करें तो ये 9 हैं, शिवपुरी, धार, मंडला, विदिशा, शहडोल, राजगढ़, देवास, मंदसौर, होशंगाबाद। इनमें से शिवपुरी तीर्थकर प्रतिमाओं के लिए और मंडला जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय संग्रहालयों की बात करें तो 5 हैं, भानपुरा मंदसौर में, आशापुरी रायसेन, महेश्वर खरगोन, गंधर्वपुरी देवास, दमोह में संचालित स्थानीय संग्रहालयों में स्थानीय स्तर पर प्राप्त पाषाण प्रतिमाओं का संग्रहालय। और विश्वविद्यालयी संग्रहालय की बात करें, 3 विश्वविद्यालय संग्रहालय हैं, सागर विश्वविद्यालय सागर में, जबलपुर विश्वविद्यालय जबलपुर और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में ने अपने यहाँ पुरातत्व संग्रहालय स्थापित कर रखे हैं। तो ये था मध्य प्रदेश के स्थापत्य, पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल। ठीक है।